आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि विधि के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो विधि के प्रमुख जो सिद्धांत हैं ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत, तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपका UPPCSJ जो फरवरी में होगा उसमें प्रश्न बनेगा। तो पहला ये प्रश्न बनेगा, ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत लोक चेतना के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन, यानी कौन है उसके जन्मदाता? तो सेमनी है। इसी को है वर्गजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, अंतरचेतना के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट दूसरा है, विधि की जातीयतावादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो हिटलर है, यानी जर्मनी से है। स्थिति से संविधा की ओर, संविधा से स्थिति की ओर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर हेनरी मेन रे। अब विधि के तुलनात्मक सिद्धांत का अध्ययन किसने किया है? तो सर हेनरी मेन। और समाज को दो भागों में विभक्त किया है किसने? तो हेनरी मेन ने। एक स्थिर समाज और दूसरा है विकासशील समाज के रूप में हेनरी मेन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।